Hey guys, happy Independence Day to all of you. Welcome to Confusing Words Series of Part 4. अगर आपने previous parts नहीं देखा है तो side में देखो, मैं यहाँ पे I लिखा होगा, यहाँ पे link दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो. If you are available in Facebook and Instagram, sorry, Telegram, then you can join me over there and search this English Tayari so that you will get the Telegram channel and Facebook page both. चलो, पहला word. क्लाइमेक्टिक और क्लाइमेटिक में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है. क्लाइमेक्टिक का मतलब क्या है और क्लाइमेटिक का मतलब क्या है? जब क्लाइमेक्टिक हम बोलते हैं तो ये क्लाइमेक्स, ठीक है, ये क्लाइमेक्स का अलग फॉर्म है. क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का चरम सीमा, ठीक है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका परफॉर्मेंस, ठीक है, आप यहाँ पे परफॉर्म, फॉर एग्जांपल आपका स्कोर बन रहा है, मतलब मैं बता रहा हूँ 200 में से आपका स्कोर आ रहा है फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, 200 यहाँ पे है. तो आप पढ़ते पढ़ते धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और एक टाइम आएगा आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा, मतलब 160, 150 ऐसे क्रॉस करने लगेगा. तो इसको बोलते हैं चरम सीमा, मतलब आप क्लाइमेक्स तक पहुँच रहे हो, मतलब उस कोई भी परफॉर्मेंस के क्लाइमेक्स तक, चरम सीमा पे पहुँच रहे हो. जैसे क्लाइमेक्स सीन बोला जाता है कोई भी मूवी में, उसका मतलब क्या है कि कोई भी मूवी का एक सीन होता है जिसके लिए सब जितने भी बैठे रहते हैं सब वेट करते हैं कि वो सीन आएगा, जिसको जो सीन पसंद है वो उस सीन का वेट करते रहता है, तो उसके लिए वो सीन क्लाइमेक्स सीन होता है. वैसे क्लाइमेटिक का मतलब क्या होता है? ये क्लाइमेट से रिलेटेड है. क्लाइमेट हमको पता है, ठीक है, क्लाइमेट का मतलब क्या है? जो हमारे जलवायु के रिलेटेड, ठीक है, क्लाइमेट का मतलब होता है हिंदी में जलवायु, उसके रिलेटेड क्लाइमेक्टिक. तो क्लाइमेक्टिक का मतलब जलवायु रिलेटेड. देखो इसका एग्जांपल पहला वाला वर्ड का, ही इज इन द क्लाइमेक्टिक मूवमेंट्स ऑफ हिज कैरियर, मतलब उसका कैरियर का वो क्लाइमेक्टिक मूवमेंट में है, ठीक है. क्लाइमेक्टिक मूवमेंट मतलब उसका कैरियर का वो सब चरम सीमा पे वो ऑपरेट कर रहा है, मतलब बहुत ही ऊपर जा चुका है वो. क्लाइमेटिक का देखो, क्लाइमेटिक चेंजेस आर कॉज बाय द इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर. तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेयर में कौन से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? क्लाइमेटिक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन दिखाई दे रहा है. देखो कोर्स और कोर्स दोनों में देखो बोलने में सेम लगता है, लेकिन इसमें स्पेलिंग डिफरेंस है और मीनिंग डिफरेंस है. तो आपको कोई कोर्स बोलेगा, आपको स्पेलिंग नहीं दिखाएगा, तो आपको वहाँ पर सेंटेंस से पता चलेगा कि वो कौन सा कोर्स के बारे में बात कर रहा है. तो CoARSE, इस कोर्स का मतलब होता है दोस्तों मोटा, ठीक है, कोई भी चीज़ मोटा या रफ़, जिसको हम रफ़ बोल सकते हैं, ठीक है. रफ़ चीज़ का मतलब क्या होता है? जो खदरा होता है थोड़ा, ठीक है, जो मोटा होता है, खदरा होता है, मतलब उबड़ खाबड़ होता है, प्लेन नहीं होता है. प्लेन अलग होता है और रफ़ अलग होता है. रफ़ रोड हम बोलते हैं, तो रफ़ रोड का मतलब क्या है? जो रोड प्लेन नहीं है. ये वाला CoURSE, ये कोर्स का मतलब क्या होता है? ये कोर्स का मतलब होता है कोई भी, मतलब परफेक्ट लाइन, ठीक है, मतलब आपका परफेक्ट प्लान, जिसको हम बोलते हैं प्लान, कोई भी प्लान या स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लान, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को हम कोर्स बोलते हैं. इसका एग्जांपल देखो, सी नेवर वियर्स क्लोथ्स मेड अप ऑफ कोर्स, मेड ऑफ कोर्स मटेरियल, मतलब जो मोटा मटेरियल का वो कभी भी क्लॉथ, मतलब कपड़ा नहीं पहनती है. ये वाला कोर्स का देखो, फॉलो योर ओन कोर्स एंड लेट पीपल टॉक, मतलब लोगों को बात करने दो, लोगों को जो बोलना है बोलने दो, लेकिन आप अपना जो प्लान है आपका, अपना जो स्ट्रैटेजी है, अपना जो गोल है, उसको फॉलो करते रहो. कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में क्या मीनिंग, मतलब डिफरेंस है? जब DANT आ जाता है, और DNT, यहाँ पे दोनों में यही डिफरेंस है. मीनिंग देखो, DANT जब आता है, कॉन्फिडेंट जब बोलते हैं, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है दोस्तों जो भरोसेमंद एक आदमी, कोई भी एक पर्सन, जो भरोसेमंद, जिसको आप अपना सीक्रेट बता सकते हो, ठीक है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो कि अगर आप अपना सीक्रेट अगर उसे बताओगे तो किसी को लीक नहीं करेगा वो सीक्रेट. तो उस पर्सन को, भरोसेमंद पर्सन को हम कॉन्फिडेंट बोलते हैं. वैसे आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे कॉन्फिडेंट होगा, कोई एक दोस्त होगा जिसको आप अपना सीक्रेट शेयर करते होंगे और भरोसा होगा कि वो सीक्रेट वो किसी को नहीं बताएगा, तो उसको हम, आप कॉन्फिडेंट बोलोगे. किसका? आपका कॉन्फिडेंट है वो. ही वॉज देयर एडवाइजर, उनका वो एडवाइज़र था और कॉन्फिडेंट था और फादर कन्फेसर था. तो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंट को ध्यान दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट मतलब वो उनका विश्वसनीय आदमी था, ठीक है, भरोसेमंद था, जो सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करता है. अगर वो सीक्रेट जानता भी हो तो शेयर नहीं करेगा किसी के साथ.
ये वाला कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास, ठीक है। अपने आप पे जब हम बोलते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंट है क्या, अपने आप पे आप कॉन्फिडेंट हो गया, उसका मतलब क्या, आपका अपने आप पे आत्मविश्वास है कि नहीं। खुद पे विश्वास होने को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट दैट एवरीथिंग कम आउट राइट इन राइट टाइम, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंट है, मतलब उसके अपने आप पे भरोसा है कि सब कुछ सही टाइम में सही होगा, ठीक है। देखो कॉन्टाजियस और कॉन्टिगोस और इन्फेक्टियस में क्या डिफरेंस है। कॉन्टाजियस का मतलब क्या होता था, कॉन्टाजियस का मतलब होता है जो डिजीज या कोई चीज छूने से फैलेगा, ठीक है। कॉन्टाजियस का मतलब क्या होता है, जो चीज छूने से फैलेगा। इन्फेक्टियस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्टियस का मतलब होता है जो चीज पानी और हवा में फैलता है, ठीक है। पानी और हवा के द्वारा जो फैलता है उसे हम बोलते हैं इन्फेक्टियस। जो जिसे हम बोलते हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, वो एक डिजीज जो आपको हो गया है जो पानी हवा ये सबसे वो फैलता है, ठीक है। इन्फेक्टियस डिजीज टच करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही फैल जाता है। कॉन्टाजियस मतलब इसके लिए टच करने की जरूरत है, ये टच करने से ही फैलता है। कॉन्टीजियस का मतलब क्या होता है, ये जो कॉन्टीगुअस जो है CONTIGUOUS, इसका मतलब होता है नज़दीक, ठीक है। नियर हम बोलते हैं इंग्लिश में, नियर नज़दीक। देखो पहला वाला एग्जाम्पल, द न्यू डिजीज प्रूव्ड कॉन्टाजियस, मतलब जो न्यू डिजीज था वो कॉन्टाजियस प्रूव किया उसने, मतलब वो प्रूव हुआ कि वो एक कॉन्टाजियस डिजीज है। कॉन्टाजियस का मतलब क्या होता है, जो टच करने से फैलता है। बस ये कॉन्टाजियस और इन्फेक्टियस में डिफरेंस आपको, मतलब ये दोनों ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इन्फेक्टियस मतलब जो हवा और पानी में फैलता है, और कॉन्टेजियस मतलब जो छूने से फैलता है। ये जो CONTIGUOUS है, इसका मतलब होता है कि नज़दीक। इंग्लैंड इज कॉन्टिगुअस टू वेल्स, मतलब इंग्लैंड वेल्स के नज़दीक है, मतलब नियर में है। कोर्प्स का मतलब क्या होता है, कोर्प्स का मतलब देखो, ये दोनों लगभग सेम लग रहे हैं उच्चारण दोनों के, लेकिन दोनों में स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। CORPS का मतलब होता है कोई एक सेना का, कोई भी एक सेना का एक भाग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आर्मी है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा आर्मी है, तो इसका एक छोटा सा भाग को हम कोर्प्स कहेंगे, ठीक है। जैसे NCC आता है, NCC में क्या है, नेशनल कैडेट कोर्प्स बोलते हैं हम उसे, तो वो एक भाग है, ठीक है। एक मतलब सेना का, कोई एक टाइप का सेना का वो भाग है। ही वॉज ए सोल्जर ऑफ मेराइन कोर्प्स, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देखो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एक भाग है। CORPS कोर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों डेड बॉडी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, मृत शरीर को हम कोर्प्स बोलते हैं। दे बरीड द कोर्प्स इन द चर्च यार्ड, चर्च यार्ड में उन्होंने मृत शरीर को गाड़ा है, ठीक है, गाड़ दिया। कारकास का मतलब क्या होता है, कारकास का मतलब, ये दोनों से साउंड में ये थोड़ा अलग आता है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इसका मतलब देखो क्या है, कारकास का मतलब होता है कोई मृत शरीर, लेकिन कोई बड़ा एनिमल का, ठीक है। इसका मतलब भी डेड बॉडी ही होता है, इसका मतलब क्या है, कारकास का मतलब भी डेड बॉडी होता है लेकिन बड़ा एनिमल, बिग एनिमल का, ठीक है, थोड़ा साइज में जो बड़ा होगा। द परचेज ऑफ ए कारकास वुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ द परचेज ऑफ टू साइड्स ऑफ बीफ। बीफ का मतलब क्या होता है, जो गाय का मांस या भैंस का मांस, ठीक है, इनको बीफ बोला जाता है। तो बीफ और पिग जो सुअर का मांस को भी बीफ बोला जाता है, ठीक है। तो बीफ, दो साइड का बीफ इज इक्वल टू कारकास का, मतलब एक कारकास, ठीक है। तो सोच लो कारकास का साइज कितना बड़ा होता है। नेक्स्ट देखो कॉन्सियस और कॉन्सेंटियस का मतलब क्या होता है। कॉन्सियस मतलब दोस्तों होश, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, होश। ये जो है होश मतलब आप होश में हो, ठीक है। जैसे ही इज हर्ट बट स्टिल कॉन्सियस, इसका मतलब क्या है, वो उसको चोट लगा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के बाद उसको चोट लगा है, स्टिल वो होश में है, ठीक है, वो बेहोश नहीं हुआ है। इसका ऑपोजिट क्या है, अनकॉन्सियस, मतलब वो बेहोश है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सांस तो हमेशा ले रहे हो आप, लेकिन कभी आप होश में नहीं रहते हो, मतलब आपको कभी अवेयर नहीं रहते हो किस चीज़ का, मतलब अपना सांस का। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, वीडियो को पॉज करो, अपना सांस पे ध्यान दो, अभी आपका ध्यान ध्यान जैसे सांस पे गया, इसको बोलते हो यू आर कॉन्शियस ऑफ योर ब्रेथ, ठीक है, ब्रीदिंग सिस्टम, यू आर कॉन्शियस ऑफ योर ब्रीदिंग सिस्टम, मतलब अभी आप जो सांस ले रहे हो आप अवेयर हो गए कि आप सांस ले रहे हो। अभी थोड़ा देर के बाद फिर से वीडियो चलने लगेगा, आप अपना सांस को भूल जाओगे, वर्ड्स पे वीडियो पे फोकस करने लगेगा।
नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, कॉन्सेंटियस का मतलब क्या है। कॉन्सेंटियस का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में इसका मीनिंग है जमीर वाला, ठीक है। हिंदी में इस जमीर वाला किसे बोलते हैं, जो अपना ड्यूटी को, मतलब अपना जो उसका ड्यूटी, उसका जो भी ड्यूटी होता है, जो भी उसका काम होता है, वो उसको हमेशा करता है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना ड्यूटी हमेशा निभाता है। जैसे हम एग्जाम्पल हमारे सेना को ले सकते हैं, ठीक है। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों ये कुछ भी हो जाए अपना ड्यूटी ये निभाते ही हैं, तो इनको हम बोलेंगे जमीर वाले, ठीक है। क्योंकि ये अगर अपना ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कॉन्सेंटियस मतलब जो अपने मन से अपना काम को रेगुलरली करते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। इज़ वेरी कॉन्सेंटियस इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, मतलब उसका ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए वो बहुत ही कॉन्सेंटियस, मतलब वो जमीर वाला है। नेक्स्ट देखो, कंप्लेन और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस है। कंप्लेन मतलब कंप्लेन करना, ठीक है। कंप्लेन हम नॉर्मली जानते हैं कंप्लेन का मतलब क्या, कंप्लेन करना के मतलब क्या होता है, किसी के बारे में आप बोल रहे हो कुछ, शिकायत कर रहे हो किसी के बारे में, तो कंप्लेन का मतलब होता है कंप्लेन करना। ये एक वर्ब है, कंप्लेंट भी कंप्लेन से ही आया है, लेकिन ये कंप्लेन का नाउन फॉर्म है, ठीक है। कंप्लेंट जब टी आ जाता है तो ये नाउन है, अगर टी नहीं है, कंप्लेन है सिर्फ, तो ये वर्ब है। अब वर्ब और नाउन में क्या डिफरेंस है, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था। वर्ब मतलब जो क्रिया है, जो वर्ड काम करने का, मतलब वहां से बोध होता है, और नाउन मतलब वो एक सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखो, डोंट कंप्लेन एंड डू एज यू आर टोल्ड, ठीक है। कंप्लेन मत करो, तो यहाँ पे वर्ब के हिसाब से कंप्लेन काम कर रहा है, ये वर्ब है। नेक्स्ट देखो, आई हैव ए कंप्लेंट अबाउट द फूड, तो यहाँ पे मुझे शिकायत है, ठीक है। मैं शिकायत यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, आई हैव ए कंप्लेंट अबाउट द फूड, तो यहाँ पे ये नाउन के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये नाउन है और ये वर्ब है। अगर मैं यही कंप्लेंट को फिर से वर्ब बना दूँ तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव ए कंप्लेंट अबाउट द फूड, तो यहाँ पे बन जाएगा आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट द फूड, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ तो वर्ब में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंप्लेसेंट और कंप्लेसेंट में क्या डिफरेंस है। स्पेलिंग अच्छे से ध्यान दो और मीनिंग समझो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक दिन में याद नहीं रहेंगी, इसको रिवीजन चाहिए आपको, क्लियर। बिना रिवीजन के ये सब चीज़ याद नहीं रहता है। पहला वर्ड COMPLACENT, कंप्लेसेंट का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन मतलब आपको अपने, मतलब आत्म संतुष्टि हुआ है, मतलब आप अपने आप सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। सेटिस्फाई हुए हो आप, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, वी मस्ट नॉट बिकम कम्प्लेसेंट ओवर एनी सक्सेस, मतलब कोई भी सक्सेस होने से हम सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि एक बार आप सेटिस्फाई हो जाओगे, फिर आप अपने जो सक्सेस, आपका कुछ भी हुआ है, वो टिक जाएगा वहीं पे, फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे वहाँ से, ठीक है। तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना है कोई भी सक्सेस को लेके। कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लेसेंट का मतलब होता है जो हर बात मानता है, आज्ञाकारी होता है, ठीक है। जो आज्ञाकारी, जो आइडियल बोलते हैं जिसे हम, आज्ञाकारी, उसको कुछ भी बोलो वो मानेंगे, तो उसको कंप्लेसेंट बोलते हैं, आज्ञाकारी। सी सी इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड कंप्लेसेंट, मतलब वो हमेशा हेल्पफुल है, मतलब वो हमेशा हेल्प करती है, और कंप्लेसेंट है मतलब वो आज्ञाकारी है, कुछ भी बोलने से मानती है, सुनती है। नेक्स्ट देखो, कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट दोनों लगभग सेम लगता है उच्चारण, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर PLE आया है, ठीक है, अगर PLE आया, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे डिफरेंस है PLE और PLI। अगर PLE आया है, इसका मतलब होता है दोस्तों मैच। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखो, दिस वाइन इज द परफेक्ट कम्प्लीमेंट टू फिश, बता रहा है जो वाइन है उसका सबसे बेस्ट मैच कौन सा है, फिश है, तो वाइन के साथ फिश को लिया जाता है। लोग समझते हैं कि वाइन के साथ फिश का सबसे बेस्ट मैच है, तो जो मैच बोलते हैं हम जिसे, मतलब जो मैच मतलब खेल नहीं होता है, यहाँ पे जो मैच के बारे में बात कर रहा हूँ उसका मतलब होता है कंप्लेसेंट, कंप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट का, जो मैच होना। जब PLI आ जाता है तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, तारीफ, इसका मतलब होता है तारीफ, तारीफ करना। प्लीज डोंट मिस अंडरस्टैंड मी, आई मीन इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब मैंने तुम्हें जो बोला है तुम बुरा मत मानना, मैंने तुम्हारा तारीफ किया हुआ है, ठीक है। मैंने तारीफ के मतलब से वो चीज़ मैंने तुम्हें बोला है। नेक्स्ट देखो, कस्टम और हैबिट में क्या डिफरेंस है। ये दोनों लगभग इक्वल लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं अब बता रहा हूँ। कस्टम मतलब रीति रिवाज, ठीक
ठीक है, मतलब जो सदियों से चला आ रहा है हमारे घर में, जो पूजा होता है या हम दिवाली मनाते हैं, ये सब मनाते हैं, ये सब क्या है? कस्टम है, ये सारे आपके हैबिट नहीं है। हैबिट मतलब आप डेली जो करते हो, जैसे लेट से उठना, डेली खाना खाना, और जो एग्जैक्ट टाइम पे डेली आप खेलने जाते हो, ये सारे आपके हैबिट्स हैं। कस्टम मतलब रीति रिवाज जो एक ठीक टाइम में किया जाता है, जैसे दिवाली के टाइम दिवाली, होली के टाइम में होली, ठीक है, रक्षाबंधन आया, फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो ये सारे के कस्टम्स हैं। रीति रिवाज को हम कस्टम बोलते हैं, और हैबिट मतलब आदत, हिंदी में आदत होता है, कस्टम मतलब रीति रिवाज होता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है रीति रिवाज और हैबिट में, आदत में। क्लियर? इसका एग्जांपल देखो, कस्टम इज़ द गाइड ऑफ द इग्नोरेंट, मतलब जिनको कुछ पता नहीं है तो उनके लिए सबसे बेस्ट गाइड है कस्टम, रीति रिवाज के अनुसार वो चल सकते हैं। द फॉक्स चेंजेस हिज स्किन बट नॉट हिज हैबिट, मतलब एक फॉक्स अपना स्किन चेंज कर सकता है लेकिन वो अपना आदत को बदल नहीं सकता कभी। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही था इम्पोर्टेंट, जितने टोटल 20 वर्ड हमने डिस्कस किया हुआ है, एक एक स्लाइड में दो दो वर्ड्स हैं, तो टोटल 10, तो टोटल 20 वर्ड हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।